तो दोस्तों ये है हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो BS6 बाइक आ रही है इसमें एयर स्क्रू नहीं दिया गया है, हम एवरेज सेटिंग नहीं कर सकते हैं। एवरेज सेटिंग करना कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसका RPM के बारे में। RPM स्क्रू दिया जाता है हर बाइक में, जैसे कि मैंने ग्लैमर बाइक में इससे पहले दिखाया था आपको, स्प्लेंडर बाइक में भी दिया गया है दोस्तों, और इस बाइक में भी RPM स्क्रू दिया गया है। जो RPM हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यह थ्रोटल होता है, ये स्पीड होता है, इसको कम ज़्यादा करने के लिए ये सभी बाइक में दिया जाता है, चाहे डीजल इंजन रहे या कोई भी इंजन रहे, वो सभी में दिया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एयर स्क्रू कहाँ पर होता है इसका, ये RPM स्क्रू। तो RPM स्क्रू दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हीरो बाइक में इस तरह का यहाँ पे दिया जाता है RPM स्क्रू, तो उस तरह का यहाँ पे नहीं है। उस साइड में अगर देखेंगे तो उस साइड में आपको सिर्फ माल फंक्शन के लिए वो पूरा इसका किट मिलता है। तो ये जो स्क्रू है दोस्तों ये RPM के लिए है, और इसमें आप एलंकी का इस्तेमाल करेंगे, पेचकस नहीं लगा पाएंगे। और एलंकी जो लगाएँगे, कार्बोरेटर वाली बाइक हो या फिर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक हो, सभी में RPM स्क्रू देता है। तो यहाँ पे भी RPM स्क्रू दिया गया है, तो इसमें हम दो नंबर का एलंकी यूज़ कर पाएंगे। और जितनी भी बाइक दोस्तों न्यू बाइक आती है कंपनी से, उसका स्पीड ज़्यादा रहता है, RPM ज़्यादा रहता है, तो RPM हम लोग कम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ इंजन को, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका RPM अभी ज़्यादा है। और कंपनी वाले का कहना है कि RPM अभी ज़्यादा रहना भी चाहिए, फर्स्ट सर्विस इसका RPM ज़्यादा रहता है, उसके बाद सेकंड सर्विस में RPM कम कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि RPM स्पीड अगर कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वाला एलंकी आपको इस तरीके से लगाना है नीचे, और इधर की ओर अगर अपनी तरफ इसको खींचेंगे तो RPM इससे कम होता है, और उधर अगर टाइट करेंगे तो RPM ज़्यादा होता है। यहाँ पे जैसा कि मैं इसे टाइट करता हूँ तो इंजन का स्पीड बढ़ने लगता है। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था। तो आशा करता हूँ वीडियो से फायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।